उसके ऊपर पता नहीं कार के ऊपर कार के ऊपर रेल के ऊपर चले गया हुआ है और उसका कौन सा पोजीशन सोचती है मतलब बिल्कुल एक बात नहीं एक कोई लाइन से चले जाना आपको कुछ हो जाए पता है ना फाइनल सब पता नहीं है और रोज मिले सभी को सुबह की राम राम नमस्ते। कैसे हैं सभी? मैं संतोष गहलावत स्वागत करती हूँ एस जी व्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। आज तो राम जी सारा दिन से काला हो रहा था पर लास्ट में आया कि न शाम को बरस ही गया, रोज का ही काम हो रहा है। मन ने तो यूँ लगा है राम जी भूल गया सामण गया बधुआ लाग रहा है, यो यूँ समझ रहा है कि मेरे ख्याल था सामण ही लाग रहा है इसलिए रोज ही आ रहा है। और सामण में तो इतना बरसा भी कोई नहीं, अब लग रहा है रोज का ही काम हो रहा है। क्या पता दिन में को दो बार आ जाए तीन बार, पर एक बार छड़का करके चले आई जावर। टाइम हो गया है सुबह छः होने वाले हो रहे हैं। आठ एक्सरसाइजों के तीन तीन सेट होते हैं भाई, इतना टाइम लगा है तीन सेट लगाने में, तीन बीच बीच के करूँ तो पाँच बीस पे लग जाया करूँ, छः दस हो गए तो इस टाइम तक वो होती है। आठ काफ़ी है, आठ के बीस बीस के तीन तीन एक एक्सरसाइज के भी लगा तीन सेट करके ना पसीने आ जाऊँ। पर मौसम ख़राब नहीं हूँ लगा, रात को भी वाई है थोड़ी बहुत बूंदा बांदी ना, जैसे कल नुलाई करी थी तो आज वो हो रहा है तो थोड़ी बहुत आई है। यूँ लग भी रहा है जैसे हवा ही आ रही है ना एक आध बार बारिश से की, पर मौसम उधर से हो रहा है। अब की बार मानसून सक्रिय हो रहा है, अक्टूबर तक बारिश होएगी जल्दी ठंड आएगी अब की बार कह रहे हैं। पर गर्मी तो उमस तो वो यूँ ही है सारा दिन, कल कितना बुरा हाल था उमस का। और हमारे बना लिया तोरी में चिड़िया ना घोसला, वो छोटी ही जो चिड़िया हो ना उसने बनाया हुआ है, अब निकल के गई है यहाँ से। आज तो पनिया पानिया पता नहीं क्या क्या ले रही है, दिखाऊंगी काला हो आने लाग रहा बरसदा ही आवे मेरे ख्याल से, काम निपटाऊँ। उधर से मौसम हो रहा है बादल है कड़े कड़ा उठ के आ रहा है, इतना काम निपटाऊँ एक बार। से बनाया हुआ चिड़िया ने घोसला, दो तोरी थी गुच्छा हा तो वो मैंने काट ली दोनों आका, अगर एक होती तो फिर तो उसके ऊपर था, नहीं तार के ऊपर है, तार के ऊपर और बेल के ऊपर इस तरह से करा हुआ है। पर उसमें कौन सा बोझ है, छोटी सी है वह तो बिल्कुल ही, वह एक उंगली की चिड़िया होया करे ना काले वाली उसने बना रखा है। हम यूँ सोचा हमारी बेलों का सोका लग गया, वो सोका लग पा नहीं, एक का ही लगा है, एक का लगा है गिया वाली का, उसी के गिया बननी स्टार्ट हुई है, दूसरी के फिर नहीं, जिस तरह कोको पीठ के कारण रुद्र हो जाए ना। आज फिर राम जी ने सावर सा मारा हुआ, रात ना मारा हुआ तो थोड़ा ही बहुत है, ज़्यादा नहीं मारा हुआ पर मार ही देता है, करें क्या, इतनी गिली होएंगी वैसे ग्रोथ ज़्यादा होएगी, फूल कम होएगा। उस तरफ मुँह हो गया, एक तो मक्की बैठी और एक बौरा है, पोलिनेशन दिखाती कैसे कर रहे हैं फूलों का, उधर से उधर बैठ के ना उस फूल पे से और उस पर बैठते हैं, ये घूमने लग रहा है जब भी उड़ जाता है। भौरे भी पोलिनेशन करते हैं, बिरड़ भी करती है, बिरड़ मैंने फर्स्ट टाइम देखी है उस फूल पे से दूसरे पे बैठती हुई, तो बैठना ही काफ़ी होता है इनका। वो देख वो आई बिरड़ उस फूल के ऊपर, वो मधुमक्खी आ गई पीछे की तरफ है, आगे जाएगी है, तो ऐसे पोलिनेशन करते हैं ये, उस फूल पे से लेकर दूसरे पर जाते हैं, मेल का ले कर फीमेल के पास जब ही तोरी गिया बढ़नी स्टार्ट होती है। ऐसे ही नहीं बढ़ती तोरी गिया, जो वो एक दूसरे के ऊपर अगर लगा रहता है जब तक वह नहीं आएंगे, भवरे हुई मधुमक्खी हुई कुछ भी इसके ऊपर ना आएगा ना, तो जब तक नहीं लगने स्टार्ट होएंगी। चलो मेरा काम हो गया, बस थोड़ा हरे रहा पोचा पोचा लगाना रह रहा, फिर मिलूँ थोड़ी देर। चीज़ और दिखाती हूँ, मेरे स्नेक प्लांट पर फूल आने लग रहा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा स्नेक प्लांट पर भी फूल आते हैं, ये देखो नज़दीक से दिखाऊं, कई साल पुराना है ये, तीन चार साल लगा लो, कोरोना में हमने करी थी जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था ना, जब लगाने लगे थे हम पौधे क्यों फ्री थे, तो जो उस टाइम का है ये स्नेक प्लांट, स्टार्टिंग मेरी स्नेक प्लांट से थी, तो ये पुराना है मेरा तो इस पर फूल आना स्टार्ट हो गया, ये देख जो ये रहा बीच में, मेरे को नहीं पता था स्नेक प्लांट पर भी फूल आता है। बैक कैमरे से भी दिखा दूँ, इस तरह से आने लग रहा है वाइट साई, या तो बीज बनता हो तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, देखेंगे बीज है क्या है, फ्लावर है या सीड्स बनता है, किसी को पता है तो बताना, पर सीड्स का तो मैंने यूं ही देखा है, इनके नीचे से जो बेबी होते बेबी स्नैक आते हैं उन्हीं से ही हम तो रिपोर्ट करते हैं। बोल रही हूँ ना मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। और एक चीज़ दिखा दूँ, कितनी बारी निकली है, ध्यान ही चले आगा ना, तो एक बार तो थी एक कट गई, असल में ना काटती ना तो बीज के लिए छोड़ देती इसको, दूसरी को काटूं थी साथ में ये भी कट गई, एक ही उस पे थी दोनों।
आज सब्जी तो कुछ बनानी नहीं थी, हम भर्ती थे तो इसलिए घिया का रायता ही बना दिया था। क्यों माँ भी घिया का रायता खुश होकर खा लेती है, और वो लड़की आती है उसको शाम तक संभालने के लिए। बस यह है दिन में मेरी हेल्प हो जाती है इसलिए बुलाती हूँ। क्यों काम ज़्यादा हो जावा है तो फिर साथ में वो भी हो जाए, घर के भी काम है तो रायता बना गया इनका दोनों का। फिर सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती, रायता ही खा लेती हैं। फिर ये मेरे अंदर वाले मनी प्लांट हैं, इनकी मोस्टली की गिली करनी होती है, मेरा डेली का काम है। इस पौधे ने कोई 4-5 पत्ते अलग से निकाल लिए हैं मेरे पास आने के बाद न। और ये मेरा मोन्स्टेरा है, ये ऐसा पौधा है अगर इसको ज़मीन में लगा देना एकदम इतना बड़ा पेड़ बन जाए। पर ये गमले का ही है वैसे तो। जी टाइम हो गया 11:15 हो गए। हाजिर ललिता पता नहीं कहाँ गुजरी है, अब तक नहीं आई है, पर न्यू तसल्ली है कहाँ पड़ोस में करके जा रही है, गिल्ला है तो उससे थोड़ा आदमी का नहीं हो जावा। क्यों एक तो ऊपर मंगलवार फिर बरती ना ही पीछे वैसे ना आवे तो फिर मुश्किल सी हो जावे। बरती हैं तो अपना पाइनएप्पल और अनार का रहता आज मेरा ये था, क्यों पहले ही बता देती है मेरे को क्या खाना है। एक पूनम गौतम बहन मकान बना रही है तो उसने पीछे भी पूछा था अपना मकान के बारे में, किचन का या सीढ़िया के बारे में कुछ पूछा था ना, मेरा वो ध्यान से नहीं है, दिमाग से उतर रही बात। तो किचन का पूछ रही थी, किचन ये रेडीमेड है या बनवाई है, बनवाई थी पूनम बहन, रेडीमेड हमारा कुछ नहीं है, हमने तो कारपेंटर लगाए थे तो 6 महीने लिए थे हमारे लकड़ी वाले ने ऊपर नीचे का सारा जो था हमारा, आर्किटेक्ट करी हुई थी तो उस हिसाब से हमने सारा आर्किटेक्ट ड्राइंग देती रही तो उस हिसाब से हम करते रहे। रेडीमेड कोई चीज़ नहीं है, घर में बनवाया था जो कुछ भी बनवाया था, आर्किटेक्ट से किसी से डिज़ाइन ले लो और उससे बनवा लो, मेरा तो ये मानना है। अपने हिसाब से स्पेस उसको बता कर जरूरत के हिसाब से ना, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, कितना वो सामान है, बड़ा सामान है, छोटा सामान है, उस हिसाब से करवा लो, मेरा तो मानना है। और आप देख लो दिल्ली में तो और ज़्यादा फिर मिल जाएंगी ऐसी ऐसी चीज़ें। मैं अपना रायता खा लेती हूँ, क्यों नमक डालना नहीं होता ना, पाइन एप्पल और अनार दो में मीठे हैं तो इनसे फिर खाया जाता, दही से पेट भी भरा भरा रहता है। कल जो अलमारी रही थी उसकी तो सेटिंग कर दी थी, डीप क्लीनिंग तो नहीं करी, फिर तो दिवाली के पास ही करूँगी। अभी मोटी मोटी मिट्टी ही थी, कपड़े उथल पुथल हो रहे थे वो जचाए थे, फिर आज मैं क्रोकरी वाले में लगी थी इसमें भी मिट्टी हो रही थी। गर्मी में तो वैसे नहीं कुछ भी करने को दिल करा था, फिर वो कुल्ली टूट गई तो इसलिए सफाई ही हो ही नहीं रही थी। फिर मैं जैसे भी टाइम निकलेगा चाहे आधा घंटा ही निकलो, थोड़ा थोड़ा डेली में निकाल लिया करूँगी, ना तो फिर यूँ ही गंदा हाल लगा है। आज मेरा लंच में है पनीर, कच्चा तो खाया नहीं था क्योंकि नमक डालना नहीं था, तो मैं थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ तवे पर ना, रोस्ट करे पचा थोड़ा क्रिस्पी आ कर लूँगी जब अच्छा लगेगा। तो मंगलवार नहीं है दिक्कत हो जाए मैं, फिर दिक्कत तो नहीं है, वो नमक वाला ही लगा था, नमक नहीं डालना बस, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उठ जा भाई बात है इधर पर तुम ले, कुछ कमियां हो जाए ना और साथ में वेट लॉस करना हो फिर थोड़ा धक्के से घूम रहा है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और साथ में कमियां भी हो जाएंगी अपनी पूरी और वेट लॉस भी हो जाएगा। ये तो ये था, ये फिर कंसल्ट तो करना ही था किसी न किसी से, सलाह लेगा तो करनी ही थी ना, अपने आप में तो फिर वो चीज़ें और कम होनी थी। जी दोबारा फिर से वेलकम, टाइम 2 बज रहा है तो एक चीज़ आई है जो बेटे ने भेजी है, वैसे चूज़ तो मैं नहीं करी थी पर उसने वहाँ से पेमेंट करके ना और कोरियर करवा दिया तो वो चीज़ दिखा रही हूँ, उन्होंने भेजी है मेरे से बेंगलोर से साड़ी, ओनियन हा कलर, गाजरी सा कलर है, गोल्डन कलर में इसमें ब्लाउज है, ये बॉर्डर है और गाजरी हा कलर है, कांजीवरम सिल्क है तो अच्छी थी, अच्छा कलर लग गया था। वैसे सोप तो मैंने ही भेजी थी उसके पास, ढूंढ गया ना वो पीछे कई बार गया भी था, उसको पता ही नहीं लगा ना बेचारे को, तो मैं तू जा मैं तेरे पास लोकेशन भेजती हूँ, मैंने उनसे लोकेशन लेगा ना, और वो भेजा था इंस्टाग्राम पे है तो उसने फिर लेगा कुरियर करवा दिया। मैं पेमेंट वाला पंगा नहीं रहा ना आजकल, ऑनलान में पेमेंट करा तो उसमें धोखाधड़ी ही है ज़्यादातर, जिस तरह कोई भी शॉपिंग करे ऑनलाइन पेमेंट करा, मैं तो कैश में ही कराया करूँ, पर यूँ था बेटे का वहाँ रहने का मेरे को फ़ायदा हो गया थोड़ा, वैसे वो लगवा के लाई थी फूल वगैरह उससे, बस अच्छी लगी, मन कर रहा था साड़ी लेनी है तो ये बात अपनी तैयारी भी करें कुछ त्यौहार आवेंगे उसके लिए रेट बताऊंगी नहीं, रेट तो कोई बताए पूछेगा तो कमेंट में बता दूंगी। तो वैसे वह कांजीवरम सिल्क है,
उसको समझ ही जाओगे, समझने वाले तो कई जो साड़ी डालते हैं उनको तो पता ही होता है। और यहाँ वो चीज़ नहीं मिलती जो बंगलोर में मिलती है। बंगलोर में जैसे मसूर सिल्क है, कांजीवरम है, सिल्क है, साउथ में ही होती है ये चीज़ें, यहाँ नहीं। पर ऑनलाइन वाला थोड़ा अप्रोड वाला सिस्टम होता नहीं। मेरी तो पीछे भी मैंने सर्दियों में मंगवाई थी एक साड़ी, वो भी अच्छी आई थी बनारसी सिल्क में, तो वो भी काफ़ी अच्छी आई थी। और ये भी मैंने वहीं से निकाल के ना बंगलोर से थे तो लोकेशन बेटे के पास भेज दी, तो उससे फिर वो ले गया, उसने कोरियर वगैरह करो कोरियर उन्हीं ने कर दिए थे, वहाँ जाकर उसने पेमेंट कर लिया। टाइम हो रहा है शाम का, चाय बनने लग रही है, चूरमा दे दिया, सबको दे दिया, मेरा रह गया है, चूरमा खा रही हूँ। पर अलाउड है ये मत सोचना, वैसे तो कर रही है, फिर मीठा चूरमा और मीठा खा रही है, गुड़ मिलाया हुआ है पर थोड़ा मिलाया हुआ, कम मीठा और कम घी खा सकती हूँ, ज़्यादा योग्यच करके नहीं खा सकती। पर मंगलवार को ही होता है मेरा, एक दिन ही मीठा होता है तो अगले दिन कर देती है मेरा, तो अगले दिन मेरे को कुछ ऐसा दे देती है जिसके कारण फिर इतना वो नहीं होता। गुड़ में और थोड़ा घी में तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इतना तो अलाउड है मेरे को। अब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना, मंगलवार को ऐसा कुछ है भी नहीं जो, और कोई दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। चाय बनी गई मेरी, चाय बन रही है और राम जी लग रहा है गरड़ाटे उठाने, गर्जने लग रहा है बहुत जोर जोर से, बरसने लग रहा है। एक बार तो आई है, फिर थोड़ी है, अब तो बूंदाई बांदी चल रही है, अब ज़्यादा नहीं है, अब तो थोड़ी बहुत ही चली हुई है। एक बार तो बहुत तेज हुआ था, अब तो बिजली चमक रही है, गरज रहा है, मैं रोज ही आ ले है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन नहीं आती, जब इधर हमारी बेला में फूल नहीं आते वो बिल्कुल भीगी रहती हैं। तो यहीं पर फिर मैं ब्लॉग की वेंडिंग कर देती हूँ, तब तक राम राम।